आगे बढ़ते और आपको बताएं कि केटी बंदर की साहली पट्टी में तुगयानी समंदर का पानी मुतादिद देहात में दाखिल हो गया। लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। पानी दाखिल होने से जरूरी फसलें भी मुतासर हुई हैं। इस हवाले से मजीद तफसीला जानते हैं हमारे नुमाइंदे एजाज से। जी अपडेट कीजिए एजाज। जी बिल्कुल, केटी बंदर के साहिली पट्टी में समंदर में तुगयानी और लहरें बुलंद होने की वजह से समंदर का पानी मुतद देहातों में दाखिल हो गया है। पानी दाखिल होने से मुतद देहातों से लोगों ने अपनी मदद आप नकल मकानी शुरू कर दी है। केटी बंदर की साहिली यूनियन काउंसिल महल के देहात जो है वो शदीद मुतासर हुए हैं। तकरीबन 10 से जाहिद देहात हैं जिसमें गाँव मोहम्मद अली शोलानी, सदीक शोलानी, सलेमान शोलानी, मोहम्मद माची, अमीन जत, जुमन शोलानी और मीर मोहम्मद जत समेत 10 से जाहिद अफरा जो गांव हैं वहां पर पानी दाखिल हुआ है। गांव में पानी दाखिल होने के बाद जो वहां के देहाती हैं उन्होंने मजबूरन वहां से नकल मकानी शुरू कर दिए। जो जरी फसलें हैं वो भी शदीद मुतासर हुई हैं। साहल जरी इंसान की जानब से जिन गांवों में पानी दाखिल हुआ है उनकी नकल मकानी में ना उनकी मदद की गई है ना ही कोई उनको वहां पर कोई इंतजाम का नुमाइंदा पहुंचा है, जिसकी वजह से मजबूरन इलाका मकीन वहां से नकल मकानी तो कर रहे हैं मगर इंतजाम अब तक वहां पर ना पहुंचा। ठीक है, केटी बंदर की साहली पट्टी में तुगयानी समंदर का पानी मुतादिद देहात में दाखिल हो गया। अपडेट करने के लिए शुक्रिया एजाज़ बारियो।